दुआ करते हैं कि मैम आगे भी जिन लोगों की इच्छाएं रह गई हैं उनको पूरा करेंगी, और सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसको भी यदि कंसीव होने से कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार आके यहाँ लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल में आकर मैडम से मिलें और ट्रीटमेंट करवाएं। चलो थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज में और बोलना चाहूंगी, हाँ बोलो, कुछ पॉइंट्स हैं। मेंटल सपोर्ट बहुत रहता है साथ में कि सब कुछ इजीली होता चला गया। दूसरा कन्वीनियंट बहुत है। तीसरा हम वर्किंग होते हुए हमें कुछ पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया सब कुछ। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैम फ्रेंडली बहुत है, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होते होने देती है कि आप पेशेंट हो वो डॉक्टर हैं। सब यहाँ पे बहुत रिलैक्स होके जाते हैं और चांसेस जो है सक्सेस रेट मुझे तो लगता है 100% है। मेरे बैच के सारे जो हैं पेशेंट वो सभी सक्सेस हो गए हैं सारे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट इज जस्ट की बुआ है ये भी बताइए प्लीज। मैम से बहुत बहुत कुछ शब्द मेरे पास अभी निकल नहीं रहा, इतनी खुशी हो रही है। नहीं आपकी आवाज से लग रहा है कि मैं आपसे कुछ चांस मिली हूँ, वैसे तो इससे पहले कभी नहीं मिली। राइट, आप इसी तरह तरक्की करें। थैंक यू सो मच। आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से देखो ये टीम वर्क होता है, आप अपना काम अच्छे से करोगे, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, है ना। और बस ये होता है कि हम लोग छोटी जगह पे बहुत पर्सनल लेवल पे सब चीज़ें मैनेज करते हैं, कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, पूरा हमारा स्टाफ लगा रहता है हर चीज़ में कि कोई गड़बड़ ना हो। मतलब अगर आप पॉम्प एंड शो पे नहीं जाएं, कंपैरेटिवली आपको लगा होगा कि आप वहाँ पे गए हो, चार्जेस भी मैंने बहुत ही रीजनेबल रखे हुए हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि हमें कोई कमाना है, बट हाँ ये है IVF डेफिनेटली एक्सपेंसिव प्रोसीजर तो होता ही है, बट अगर हम चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसको देखते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चार्जेस बहुत ही रीजनेबल रखूँ, और बस आप सब लोग मुझे बेस्ट विशेज़ देते रहोगे तो वैसे ही सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एंड सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोल रही हूँ सबको, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे वीडियो बनवाते हैं, बट द थिंग इज़ मैक्सिमम लोग दे आर नॉट रेडी वीडियो बनवाने के लिए, जैसे कि पता नहीं क्या ख़राब काम किया हो। जबकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि IVF में इट इज़ नॉट लाइक कि किसी और का है, आपका अपना है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ, है ना। आपके एग्स लिए, हस्बैंड का सीमन लिया, एम्ब्रियो बनाया, वापस रख दिया, बिकॉज नेचुरली चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसमें कोई ऐसे कोई घबराने की, शर्माने की, या आप कोई गलत काम तो करने जा नहीं रहे हो कि आप सोचो कि आपको छुपाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मेरे जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो खुशी खुशी